गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं रजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर आज हम पढ़ेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग प्रैक्टिस सेट टू जो आपके एसएससी सीजीएल सी और सी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब सब्सक्राइन है चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जैसे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से आज का पहला क्वेश्चन ये रहा अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन अ सीक्वेंस एज पर साइकिल ऑफ ह्यूमन लाइफ मीन्स मानव जीवन के चक्र के अनुसार निम्नलिखित चरणों को क्रमशः व्यवस्थित करें इन सभी को एक, एक कैसे एक ह्यूमन लाइफ कैसे होता है उस हिसाब से आपको अरेंज करना है जैसे आप देखेंगे इसमें दिया हुआ अडल्टुड ओल्ड एज चाइल्डहुड इन्फेंसी या एडोलेंस एडोलोसेंस तो इसका मतलब क्या हुआ किशोरावस्था इसे कहते हैं तो जो सबसे पहले आता, 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 आता क्या आता है इन्फेंसी आता है मैं बचपन आता है फिर क्या आता है आपका बचपन के बाद आता है आपका चाइल्डहुड है ना ये किशोरावस्था चाइल्डहुड आता है आपका ठीक है फिर आपको क्या आता है किशोरावस्था आती है फिर आपकी क्या आती है अडल्टुड वयस्क जो से हम कहते हैं ठीक है उसके बाद आपको पढ़ापा आता है ना तो पाँच हो गया तो आपका क्या कोड हो गया फोर थ्री फाइव वन टू तो कौन सा कोड है फोर थ्री फोर ये गलत हो गया आपका ये गलत हो गया फोर थ्री फाइव ये गलत हो गया आपका ऑप्शन सी आपका सही है तो सी सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी इसमें सही आंसर आपका चलिए आगे बढ़ते हैं ओ प्लस एन का मतलब है ओ इज़ फादर ऑफ एन ओ माइनस एन का मतलब है ओ इज़ ब्रदर ऑफ एन ओ डिवाइड बाई एन का मतलब है ओ इज़ वाइफ ऑफ एन और ओ इन टू एन का मतलब है ओ माता है एन की तो आपको बताना है कि विच आर द फॉलोइंग शोज दैट के इज के क्या है मदर इन लॉ मतलब सास है किसकी बी की तो किस में आपको ये दर्शा रहा तो आप देखेंगे सब में के इन दे रखा था तो मतलब आपका इधर है ही यहाँ के रिप्रेजेंट क्या कर रहा है के टू रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आप तो के इंटू रिप्रेजेंट कर रहा है ओ इज मदर ऑफ एन मतलब के इज मदर ऑफ जी ठीक है और वहीं अगला आप देखेंगे तो आप ए, ए, एक कंपेयर ऐसे कंपेयर करेंगे तो जी इज जी परसेंट बी का मतलब क्या हुआ जी इज वाइफ ऑफ एन तो जी क्या है पत्नी है पत्नी को हम नेगेटिव से और ये हम मैरिड कपल को रिप्रेजेंट करते हैं बी की और फिर कह रहा है बी प्लस वाई प्लस वाई मतलब हो गया फादर है एन का मतलब बी क्या है फादर है किसका वाई का जब ये वाई का फादर हुआ फादर हम मेल को प्लस रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसका बेटा हुआ और ये बेटा हुआ इसका मतलब ये क्या हुआ ये इसकी ग्रैंड मदर हुई हुई ऑप्शन तो ए आपका वैसे सही है क्योंकि इसमें बी क्या हो गई सांस हो गई किसकी कि के क्या हो गया के हो गई बी की तो ये वजन कर रहा है ऑप्शन ए आपका इसमें सही आंसर है चेक कर ले रहे हैं हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका चलिए आगे बढ़ते हैं ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन इन द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर इंडिकेट हाउ इट विल अपियर बेन ओपनड मीन्स एक कागज़ टुकड़ा है उसे फोल्ड कर दिया गया है आप देख रहे हैं ऐसे करके उसके बाद में उसे काट दिया गया है ठीक है अब ये बताइएगा आपको बताना है जब पेपर ओपन होगा तो क्या टाइग कौन सा फिगर बनेगा इन चारों में से तो हम पेपर को फोल्ड करते हैं न, देख ओपन करके देख ले रहे हैं जैसे अभी पेपर क्या है इधर फोल्ड हुआ था पेपर इधर वो कर ले रहे हैं फोल्ड तो ये पेपर ऐसे आएगा ऐसे ऐसे फोल्ड सॉरी पेपर ऐसे गया ऐसे आया ऐसे ऊपर होगा और ये क्या हुआ ये तो इधर स्क्वायर यहाँ आएगा ही आएगा ये इधर क्या आएगा आपका डायमंड शेप आ जाएगी सर्किल शेप आएगी ठीक है अब ये भी ओपन होगा तो ओपन होगा क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे आपकी डायमंड शेप आएगी ठीक है ये स्क्वायर आएगा यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ आपकी क्या डायमंड शेप आएगी यहाँ सर्किल आएगा यहाँ सर्किल आएगा ठीक है और ये सर्किल आपका बंद हो जाएगा डायग्राम बनेगा पूरा आपका कंप्यूटर देखा जाए तो यह डायग्राम बनेगा तो देखो कौन सा मैच कर रहा है ये तो मैच नहीं कर रहा है ये भी मैच नहीं कर रहा है ये भी मैच नहीं कर रहा है ऑप्शन ए आपका कैसे मैच कर रहा है तो सही आंसर आप क्या हो गया ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया जी हाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं इन अ सर्टिन कोड लैंग्वेज रेन इज रिटन एज फोर्टी फाइव कोड इज रिटन एज फोर्टी फोर हाउ ड्रॉप रिटन इन दी इन दैट कोड लैंग्वेज मतलब रेन का जो कोड है फोर्टी फाइव है और गुड का कोड है फोर्टी फोर तो ड्रॉप का कोड क्या है आपको बताना है तो आपको याद करेंगे जैसे रेन आर ए आई एन रेन का कोड कितना है फोर्टी फाइव है तो कैसे क्या करेंगे आप तो ए का वन होता है आप ऑटोमेटिक देखेंगे ए का वन होता है एन का कितना आई कितना तो है नाइन होता है और एन का कितना होता, होता है फोर्टीन और ए का आर कितना होता है एट्टीन होता है ठीक है जब आपको ऐड करेंगे तो ये कितना रहेगा टेन और टेन टेन और एट्टीन को प्लस कर दोगे तो कितना रहेगा ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट और फोर्टीन को प्लस करोगे तो कितना जाएगा फोर्टी टू आ जाएगा फोर्टी टू और प्लस थ्री कर देंगे तो क्या 45 हो जाएगा फोर्टी फाइव हो जाएगा क्या ये अगले में मैच कर रहा है चेक कर लेते हम आपस में फिर आपको गुड गुड चेक करा गुड में क्या है जी का कोड कितना होता है जी का होता है सिक्स का कितना होता है मतलब ओ का कितना होता है सिक्सटीन फिर सॉरी वो का होता है हमारा फिफ्टीन होता है वो कोड ये कितना हमारा फिफ्टीन होता है और डी का कोड कितना होता है फोर होता है ऐड तो कर दीजिए इसमें ये क्या होगा थर्टी और थर्टी प्लस टेन अब <coughs> यहाँ पे जी का ई सेवन सेवन होता है इसका जी का सेवन होता है सॉरी और अब ऐसे ऐड करोगे थर्टी सेवन प्लस फोर फोर्टी वन फोर्टी वन प्लस थ्री इक्वल टू फोर्टी फोर जी हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है ऐसे ही हम कोड निकालेंगे ड्रॉप का डी आर ओ पी ड्रॉप डी का कितना फोर आर का एट्टीन ओ का फिफ्टीन और पी का पी का होता है सिक्सटीन तो ऐड कर दीजिए सबका ट्वेंटी ट्वेंटी और एट्टीन प्लस फिफ्टीन कितना हो गया आपका ये हो गया आपका थर्टी थ्री और ये हो गया ट्वेंटी तो कितना हो गया ये फिफ्टी थ्री प्लस थ्री फिफ्टी सिक्स ठीक ऑप्शन फिफ्टी सिक्स दे रखा है जी हाँ फिफ्टी सिक्स दे रखा है तो सही आंसर क्या होगा फिफ्टी सिक्स चले आगे बढ़ते हैं ये सब आपका ऑप्शन बी सही आंसर आपका ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दी दि थ्री डिफरेंट पोजिशन ऑफ सेम आर शोन एक सेम डाइट्स है उनकी तीन डिफरेंट पोजिशन शो कर रखी है यहाँ पे सिक्स फेसिस विच ऑफ द नंबर वन टू तो सिक्स बस एक जो सिक्स फेस है इसमें डाइस है वो शो कर रहा है एक से छ नंबर विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट दी फेस ऑफ सिक्स मतलब आपको बताना है इस डाइस में सिक्स का अपोजिट कितना होगा तो आप कैसे पता लगाएंगे आप देखिए पहले कि कौन से कहाँ पे दो चीज़ सेम हो रही है तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी दो चीज़ सेम नहीं आ रही है तो हम हमेशा क्या करते हैं डाइस में कोई आप दो डाइस पढ़ लीजिए आप एक ये वाला पकड़ ले रहे हम ये वाला पकड़ ले रहे हैं इसमें क्या करते हैं राइट राइट रूल लगा यूज़ करते हैं मतलब राइट साइड जैसे हमेशा राइट से काम करेंगे टू लिखा ये दो टू और टू सेम है यहाँ पे तो टू और टू नीचे ऊपर ले तो टू नीचे लिख दो अब यहाँ पे थ्री आ गया राइट ही साइड चलेंगे थ्री आ गया फिर फोर आ जाएगा फिर यहाँ पे काउंट करेंगे सिक्स फोर टू के बाद क्या आएगा सिक्स और के बाद फाइव तो सिक्स के बाद फाइव तो जो इसका अपोजिट होगा वही उसके अपोजिट वहाँ पे होगा रियल में भी तो यहाँ पे देखो सिक्स का अपोजिट क्या थ्री है तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा थ्री तो सी आंसर क्या आपका ऑप्शन बी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिविन अल्टरनेटिव मीन्स निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित वाद का चयन करें मैं आपको ये ग्रेड दे दिया उसका एक कोड दे दिया है वहीं नाइट दे दिया है उसका कोड आपको बताना है तो आप ग्रेड कैसे निकालेंगे ग्रेड का निकालेंगे जी आर ई ए टी का कोड कैसे निकालेंगे यहाँ आप लिखेंगे बी ई एस एच देखो ये तो ऐसे ही लिखा है आप ये तो दिख रहा होगा आपको ठीक है यहाँ आपको दिख रहा होगा ई तो ऐसे ही लिखा हुआ है पूरा सेम जी एच लिखा है आर एस लिखा है ए e, बी लिखा है और यू टी लिखा है आप देख रहे हैं सम्य प्लस वन का कोड चल रहा है बीचवालीस छोड़ के ठीक है ऐसे हम इसमें नाइट में ट्राई करके देते हैं एन आई जी एच टी नाइट का तो जी तो यहाँ ऐसे ही रखा रहेगा ठीक है यहाँ एच आएगा और यहाँ पे क्या आएगा टी आएगा टी टी के बाद क्या आता है यू आता है ठीक है और एच के बाद क्या आता है आई आता है यहाँ एन के बाद क्या होता है ओ आता है ठीक है सॉरी ये यहाँ पे ये ओ यहाँ पे आई आएगा पहले आई के बाद क्या आता है जे आता है और जे के और एन के बाद क्या आता है एन ओ आता है ठीक है तो यहाँ पर कोड क्या बन गया यू आई जे जी जे ओ तो आप देखेंगे कौन सा मैच कर रहे हैं यहाँ पे ये पहला मैच नहीं कर रहा है दूसरा मैच नहीं कर रहा है तीसरा मैच नहीं कर रहा है दो चौथा मैच नहीं कर रहा तीसरा मैच कर रहा है तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है यू आई जी जे ओ तो सही आंसर क्या है ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ठीक है तो आप इसे कैसे करेंगे तो आप इसे करेंगे एट पीपल्स पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल तो उसमें क्या है ये चार आठ लोग हैं एक स्क्वायर टेबल है ये टेबल होगी स्क्वायर स्क्वायर टेबल फॉर डिनर इन सच आर वे दैट फोर पर्सन आर सिटिंग एट फोर कॉर्नर इसमें क्या कह रहा है चार लोग चार कॉर्नर पर बैठे हैं ठीक है थीके? चार कॉर्नर पर हमें बैठा दिए एंड फोर पर्सन सिटिंग इन द ऑफ मिडिल पोजिशन ऑफ द फोर साइड साइड्स मतलब चार लोग क्या हुआ उसमें मिडिल पोजिशन बैठे हैं यहां पर बैठे हुए हैं ठीक है चलिए और सभी क्या है सेंटर में फेस कर रहे हैं मतलब तो सबका फेस किधर है टेबल पे है इधर ही सबका फेस है तो यह रखिएगा फेस कहाँ पे सबका सेंटर में फेस कर रहे हैं सब लोग ठीक है सब सेंटर इधर फेस कर रहे हैं इसमें कह रहा है एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू तो यू के लेफ्ट में कौन बैठेगा ये यू हो गया हमारे यहां पे उसके लेफ्ट में कौन बैठेगा एस बैठेगा ये क्योंकि ये राइट साइड हो जाता है ये आपका लेफ्ट साइड हो गया था तो लेफ्ट में एस बैठ गया यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी तो यू क्या है टी के लेफ्ट में बैठेगा तो टी यहाँ आएगा उसका राइट ये वाला हो गया और लेफ्ट ये वाला हो गया ठीक है वहीं कह रहा है टी सिट्स एट वन वन ऑफ दी मिडिल पोजिशन ऑफ दी साइड्स तो टी मिडिल पोजिशन बैठेगा तो ठीक है टी हमारा मिडिल पोजिशन बैठा हुआ यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आर सिट्स थर्ड टू दाइट ऑफ यू तो आर क्या है यू के थर्ड राइट पर होगा तो यू ये रहा इसका राइट साइड क्या ये साइड हो गया तो आपको एक दो तीन यहां आर बैठेगा ठीक है पी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ वी एंड आर तो पी क्या है नेवर है किसका वी और आर का तो पी नेवर हो गया पी यहां पे आ गया तो वी भी यहाँ पे आएगा क्योंकि पी और आर का नेबर वी और आर का नेबर कौन ने? है पी है ठीक है और कह रहा है डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी तो देखो डब्ल्यू यहाँ पोजिशन मिलेगी नहीं डब्ल्यू पोजिशन यहाँ मिल गई तो बचा कौन क्यू क्यू यहीं पर आ जाएगा आपने आराम से ठीक है हु अमंग दिट एट वन ऑफ दॉर्नर तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कॉर्नर में बैठा है तो आप देखेंगे वी कॉर्नर में बैठा है नहीं बैठा है बिल्कुल नहीं बैठा है आर बैठा है नहीं कॉर्नर में नहीं बैठा है क्यू बैठा है जी बैठा है एस बैठा है नहीं बैठा है तो सी आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी क्यू सी आंसर हो गया चलिए चेक कर ले रहे हैं जी हाँ क्यू हमारा सही आंसर है चिल्ला के बढ़ते हैं फोर नंबर पेयर्स आर गिवन आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन ए सर्टिन वे वन इज़ डिफरेंट सेलेक्ट दी नंबर पेयर दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट ये चार नंबर के समूह दिया हुआ है इसमें इसमें बता रहे हैं कि एक एक जो तीन होंगे इन तीनों इन चारों में से तीन सेम होंगे और एक अलग होगा तो आपको हमें अलग वाला पता लगाना है ठीक है चलिए हम लगाते हैं कैसे लगाएंगे अब वो तरीका यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ कोई दिख रहा है स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा ना कोई स्क्वायर है किसी का है ना ना कोई क्यूब है किसी का तो इसमें कोई पैटर्न नहीं लग रहा हमें यार स्क्वायर वॉल पैटर्न लग नहीं रहा क्यूब वाला पैटर्न तो लगेगा नहीं ठीक है तो हम इसे काउंट करेंगे देखो क्या काउंट करेंगे हम देख रहे हैं यहाँ पे सिक्स प्लस थ्री कितना रखा है आता है नाइन वहीं टू प्लस फाइव कितना आता है टू प्लस फाइव फाइव कितना आ, आ रहा है सेवन आ रहा है ठीक है वहीं आप नाइन को सेवन से माइनस कर देंगे कितना आता है टू आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पे चेक करते हैं ये वाले में फोर प्लस टू इक्वल टू सिक्स और वन प्लस थ्री इक्वल टू फोर यहाँ चेक करते हैं सिक्स माइनस फोर इक्वल टू टू बिल्कुल सही बात है यहाँ सही आ रहा है इसमें चेक करते हैं थ्री प्लस फाइव इक्वल टू एट और वन प्लस फाइव इक्वल वन प्लस फाइव नहीं वन प्लस फोर इक्वल टू फाइव जब हम माइनस करेंगे एट माइनस फाइव तो कितना आएगा सिक्स आए, आएगा? आएगा आएगा थ्री आएगा आपका ठीक है और इसमें चेक करते हैं तो सेवन प्लस फोर इक्ल टू इलेवन और थ्री प्लस सिक्स इक्वल टू नाइन यहाँ चेक करते हैं तो इलेवन माइनस नाइन इक्वल टू टू जी हाँ बिल्कुल सही बैठा है तो आप देख रहे हैं ये सेम है ये सेम है ये सेम है बस ऑप्शन सी आपका सेम नहीं है तो ऑप्शन सी आपका सी आंसर हो गया यही आपका डिफरेंट वाला है तो चेक कर ले रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका सी है ठीक है आप ये पैटर्न याद रखिएगा यहाँ पैटर्न कौन सा लगा है यहाँ स्टार्टिंग के दो नंबर का एडिशन और इन दोनों का एडिशन और इन दोनों के एडिशन का जो सब आ, के एडिशन का जो सब्जेक्ट आएगा वही इसका आ, क्या नाम पेयर का फॉर्मूला होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सेम इक्वेशन हैज बीन सॉल्व इन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिस्टम फाइंड द करेक्ट आंसर फॉर द अनसॉल्व इक्वेशन ऑन दी तो इसमें क्या है ये इक्वेशन दे दिए दो तो, यहाँ पे आपको दे रखा है ठीक है इसमें बताना है कि थर्ड वाले में क्या आएगा अब इसे आप कैसे काउंट करें इसे आप करिए कैसे करेंगे आप यहाँ क्या आप देखें इंटू देख रहे हैं यहाँ कोई ऐसा हमारी एक लग रहा हमें कि फाइव इंटू नाइन और नाइन इंटू एट यहाँ लग रहा है नाइन नाइन दोनों में आ रहा है इसलिए एक पर यहाँ आप देखेंगे सेवन तो कहीं आ नहीं रहा है ठीक है ये तो कितना सेवन कोई मल्टीपल नहीं दोनों में से पर यहाँ देख रहा है आपको फोर इंटू थ्री और फोर इंटू टेन पर ये पैटर्न तो बैठ नहीं रहा क्योंकि जब इसमें वो चीज़ नहीं बैठेगा तो इसका मतलब इन चारों में से कहीं नहीं बैठेगा तो ये तरीक़ा हमारा क्या हो गया गलत हो गया तो इसे हम हटा दे रहे हैं ये हम नहीं निकालेंगे ठीक है तो हम और तरीके से तो जा, जा जाते हैं इसमें क्या करते हैं हम प्लस करते हैं दोनों को फोटी फाइव और सेवेंटी टू को प्लस करो कितना आ रहा है ये सेवन और इलेवन पर आपको पता है सेवेंटी वन हन सेवन को जब थर्टीन से डिवाइड करते हैं तो हमें नाइन ही मिलता है ये है ना कि थर्टी नाइन सा कितना होता है वन वन सेवन ही तो होता है ठीक है तो ये तो सही बैठ गया है इसमें ट्राई करके देखते हैं हम ये वाला फोर्टी प्लस फिफ्टी वन या होगा नाइन्टी वन नाइन्टी वन को जब थर्टी से थर्टीन से डिवाइड करते हैं तो सेवन ही आता है क्योंकि आप ट्राई करके देखिए थर्टीन इंटू सेवन तो कितना होता है नाइन्टी वन ही होता है तो इसका मतलब ये भी सही आ गया था हाँ भी ट्राई करना पड़ेगा ये वाला तो ट्वेल्व प्लस फोर्टी ये कितना हो गया फोर्टी ये कितना हो गया फिफ्टी टू या फिफ्टी टू को थर्टीन से डिवाइड करेंगे तो ही तो आएगा है ना तो सी आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए आपका सी आंसर हो गया फोर चलिए आगे बढ़ते हैं सी आंसर आपका फोर है आगे बढ़ते हैं नंबर टेन पे आते हैं सेलेक्ट ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर इन द सेम वे एज नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट नंबर तो इसमें कह रहा है कि आपको तीसरा नंबर ये वाला नंबर बताना है ठीक है यहां कैसे बताना है आपका जो सेकंड नंबर है ये इस नंबर से संबंधित रखता है वहीं जो थर्ड नंबर है वो चौथे नंबर से संबंधित रखता है तो बताइए कौन से पैटर्न से ये नंबर सेम रखेंगे तो आप यहाँ चेक करेंगे ये तो ना तो आप देखेंगे थ्री ना तो फोर से डिवाइड पूरा होता है ठीक है थ्री आपका इस थ्री फोर फोर से थी अंड्रेड फोर्टी फोर से डिवाइड पूरा नहीं होता तो मतलब ये डिवीजन वाला मैथरी तो ही नहीं आता है क्यूब वाला भी नहीं बन पाता इसमें तो इसमें आप देखेंगे एक चीज़ देखेंगे आप जब यहाँ थ्री फोर फोर लिखा हुआ है जैसे लिखा है थ्री फोर फोर इसमें देखेंगे थ्री प्लस फोर इक्वल टू सेवन आ गया और सेवन माइनस फोर इक्ल टू कितना आ गया थ्री आ गया ये सही है यहाँ भी ट्राई करके देख लेते हैं ये ऑप्शन फोर फाइव प्लस फोर इक्ल टू नाइन और नाइन माइनस फाइव इक्वल टू कितना फोर आ गया ये सही यार आपका बिल्कुल तो ऑप्शन फोर दे रखा हमें कहीं हाँ जी हाँ ऑप्शन सी हमें दे रखा है फोर तो सी आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी आपका हो गया आप इस पैटर्न पर चेक कर सकते हैं या थ्री फोर फोर दिया हुआ है थ्री फोर फोर में स्टार्टिंग है दो नंबर का सम ठीक है इनको ऐड कर देना है फिर इनके ऐड को इस वाले से सेपरेट कर देना है ऐसे इसमें करना है इन दोनों का सम करना है ठीक है और, और जो सम आएगा उसको इससे सेपरेट कर देना है ठीक तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी आपका सी आंसर है चेक ले रहे हैं जी हाँ ऑप्शन सही बिल्कुल सी आपका सही आंसर है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका फोर आएगा चलिए आगे बढ़ते हैं फाइंड दी मिसिंग नंबर फ्रॉम अमंग दी बिलो ऑप्शंस नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए तो आपको ये वैल्यू बतानी है कितनी आएगी ये तो कैसे बताएंगे हम इसमें चेक करेंगे पर रो वाइज़ रो वाइज़ चेक करते हैं हमें लगता है कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है तो रो वाइज़ तो नहीं करेंगे बिल्कुल चेक कोई बात नहीं बनी पर हम अब कॉलम वाइज़ चेक करते हैं कॉलम वाइज़ हमें दिख रहा है कि ये कितना हो गया ये होता हमारा इन दोनों पर ऐड करते हैं तो इन दोनों का ऐड कितना आता है नाइन्टी तो आता है क्योंकि फिफ्टी फोर और थर्टी सिक्स को जब आप प्लस करते हैं तो नाइन्टी आता है और नाइन्टी का हाफ़ कितना होता है फोर्टी फाइव तो होता है ऐसे यहाँ देखते हैं एट्टी प्लस फोर्टी सिक्स वन ट्वेंटी सिक्स होता है वन ट्वेंटी सिक्स का हाफ कितना होता है सिक्सटी थ्री जी हाँ सिक्सटी थ्री यहाँ आ रहा है यहाँ भी ट्राई कर दे रहे हैं नाइन्टी फोर प्लस थर्टी वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई टू सिक्सटी टू आंसर आ रहा है तो क्या सिक्स ऑप्शन है जी हाँ ऑप्शन सी आपका सी आंसर है सिक्सटी टू चेक कर ले रहे हैं जी हाँ सी आंसर आपका सिक्सटी टू है चलिए आगे बढ़ते हैं इन ए सर्टिन कोल्ड ग्लोबल इज रिटन एज जी बी एल जी बी ए एल ओ एल वहीं आपको बताना है रेस्क्यू कैसे लिखा जाएगा इस कोड लैंग्वेज के हिसाब से तो हम चेक ले रहे हैं यहां पे देख रहे हैं जी ओ जी एल ओ बी एल ग्लोबल बी को लिखा फिर ए को लिखा फिर यहां यहाँ रखा है फिर एल को लिखा है इन्होंने ठीक है या फिर एल एस एल को एल को लिखा ये एल को लिखा है इनने फिर ओ लिखा और ये एल ऐसी उतार दिया ठीक है इसमें देख लिया रेस्क्यू में आर ई एस सी यू ई तो आर ऐसे लिख देते हैं ठीक है ई वी ऐसे लिख देते हैं अब क्या है यहाँ चेक करते हैं इसमें अब क्या आएगा आपका पहले ये आएगा ठीक है तो पहले क्या आएगा सी आ जाएगा सी उतारते हैं यहाँ यू उतारते हैं यहाँ पे ई उतारते हैं फिर यहाँ पे एस तो ये आपका है आएगा क्या आर सी यू ई एस ई तो चेक करते हैं आर सी यू ई एस ई ये आपका सही है आर सी यू आर सी ये गलत है आपका ये सही है आर सी ये भी गलत है ये भी गलत है तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है ठीक है तो सही आंसर आप क्या है ऑप्शन बी आपका सही आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें तो यहाँ लिखा है बैक फ्रोट ठीक है बैक फ्रंट तो क्या होता है बैक का फ्रंट मतलब क्या हो गया बैक मतलब हो गया पीछे ठीक है पीछे और ये फ्रंट मतलब क्या सामने सामने ठीक है सामने हो गया वहीं आप राइज एंड साइन का मतलब ये तो एक ही होता है दोनों का राइज का मतलब उगना होता है साइन का मतलब चमकना होता है तो एक ही चीज हो गया ये फॉरगे फॉरगेट फॉरगे मतलब होता है माफ़ कर देना फॉरगेट मतलब होता है भूर जाना तो ये भी एक जैसा हो गया शन और शाइन के आवास सन क्या है सूरज होता है सन चमकता है और, और, और शाइन भी करता है ये भी एक जैसा हो गया रेज एंड फॉल आपका हो जाता है रेज मतलब क्या होता है उगना राइस मतलब क्या होता है सही रेज कहना राइस मतलब क्या होता है उगना फॉल मतलब क्या होता है डूबना या ठीक है या गिरना कहना फॉल मतलब गिरना होता है या डूबना जो भी कह सकते हैं आप ठीक तो ऑप्शन सी सही आंसर आपका इसमें सही बैठा है ठीक है तो सी आंसर क्या है ऑप्शन सी आपका सही आंसर है चेक करते हैं जी हाँ ऑप्शन सी आपका सही आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं इन अ वैन डायग्राम इज गिविन मेंबर्स ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब एंड द गेम दे प्लेड तो ये इसमें आपको एक वैन डायग्राम में ये दे रखे हैं मेम्बर्स जो एक स्पोर्ट्स क्लब के हैं और उसके गेम्स के हैं जैसे तो यहाँ पर जो ट्रेंगल है ट्रेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेयर्स प्लेयर्स को ठीक है वहीं आपका जो है रेक्टेंगल रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वाश प्लेयर को ठीक है और वहीं आपका जो ए, सर्किल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गोल्फ प्लेयर को ठीक तो इसमें पूछा है इसमें पूछा व्हाट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल द प्लेयर्स तो इस समय पूछा सभी प्लेयर्स के कितने सभी टोटल कितने प्लेयर्स हैं ये पूछा सभी कितने प्लेयर्स हैं तो ऐड कर लेते हैं तो ऐड कैसे करेंगे आप शुरू कहाँ से करेंगे यहाँ से करना चाहें यहाँ से कर लेते हैं यहाँ से करें यहाँ से कर ले रहे हैं ट्वेल्व प्लस एट ट्वेंटी प्लस सिक्स ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स प्लस फोर थर्टी थर्टी प्लस फाइव थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी आप इंड कर दो तो कितना हो गया फिफ्टी फाइव तो सही क्या आ गया आंसर ऑप्शन बी आपका सही आंसर आ गया है इसमें ऐड करने तो ऐड करना सीख लीजिए आप ऐसे ही करेंगे तो और आप कोई नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ लिख के दे सकता हूँ ट्वेल्व सिक्स एट फोर फाइव थ्री सेवनटीन ऐड कर दीजिए आठ एट 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 और एट सिक्सटीन सिक्सटीन और नाइन यहाँ करेंगे ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव और थ्री ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट और सेवन तो फाइव आ जाएगा यहाँ पे थर्टी फाइव ठीक है फाइव नहीं थ्री यहाँ पर आएगा ये आ जाएगा कितना थ्री आपके यहाँ दो प्लस करते हैं ये हाँ थ्री आ गया थ्री यहाँ पे थ्री आएगा थ्री यहाँ से थ्री फोर और फाइव तो क्या आ गया फिफ्टी फाइव का सही आंसर है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सही आंसर आपका फिफ्टी फाइव है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन अगला है फाइंड दी ऑड वन आउट From the given तो given और वन आउट करना है कौन सा अलग है तो आप चेक ले रहे हैं। जी जी एल आप देखेंगे जी के बाद जे कब आता है आप एबीसीडी आती है आप कौन के लिए से? ए, 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 बाद कर लीजिए जी एच आई तो जी एच आई आता है तो क्या है? प्लस थ्री आ गया एच आई जे प्लस थ्री आ गया ठीक है और जे के बाद जे के एल कई बीच में आता है एल ये प्लस वन आ गया हम एम पी एस में करते हैं तो ये क्या एम प्लस थ्री पी होता है और P plus, पी प्लस पी क्यू आर और उसमें प्लस थ्री एस होता है ये भी सही है ये और यह ये लगाए इसमें ए डी जी भी चेक करते हैं ए डी जी ए प्लस थ्री मतलब वन प्लस थ्री फोर ही होता है तो ये भी थ्री और डी के बाद जब चार में तीन डेट करोगे सात होता है सात कितना होता है हमारा जीत होता है तो यही ही प्लस थ्री आ गया तो मतलब आप देखेंगे ये दो पेयर तो सेम आ रहे थे तो इसका मतलब जाहिर सी बात तो यही पेयर सेम होगा अगर जो तो टाइम बचाना आपको तो ये आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि हर एक एक करके काउंट करेंगे आप तो बहुत टाइम हो जाएगा आप जी देख लीजिए कोई दो मैच कर जाए ये दो मैच कर गए हैं हमारे तो हमारी ऊपर के दो मैच कर गए हैं ये वाले इसका मतलब तीसरा भी मैच करेगा क्योंकि पहला वाला वैसे ही अलग है तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए आपका सी आंसर हो गया ये आपका सबसे अलग है तो चेक ले रहे हैं, हाँ, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ये आपका सही आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं इन अ सर्टिन कोड लैंग्वेज इफ को किसी कोड लैंग्वेज में आई एस एच आई टी ओ आई एन एम को हम लिखते हैं पीस एंड हैप्पी ठीक है इसका मतलब पीस एंड हैप्पी हो गया है। वहीं अब लिखते हैं क्यू पी आर इस आप क्या क्यू पी आर आई एन एम और एस ई एन इसे क्या लिखते हैं पीस बट नीड ठीक है but, वहीं आप लिखते हैं एच एस एम एस ई एन और आर एस ओ इसका कोड क्या है गुड बट हेल्दी हेल्दी ठीक है तो यहाँ से पूछा है वट वुट वट स्टैंड तो वट का कोड क्या होगा बट का कोड क्या होगा बट का तो बट का कोड कैसे निकालेंगे देखो यहाँ बट है यहाँ दो क्या है एस सी एन सैन यहाँ भी सैन तो ये क्या वट तो है अब देखेंगे दोनों जगह मैच कर रहा है नहीं कर रहा है बिल्कुल क्या गुड का कोड यहाँ कहीं कहीं और देखा है गुड कहीं और गुड नहीं देखा हेल्दी कहीं दे रखा हैल्दी है? नहीं दे रखा तो सी एस सी एन आपका इसका कोड जाएगा इसका बट का तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी आपका सही आंसर है चेक लेते हैं जी हाँ ऑप्शन सही सही आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं इन अ मिरर इफ अ मिरर प्लेस्ड ऑन लाइन ए बी ए बी लाइन जो है या मान लीजिए ए बी लाइन है इस पर एक मिरर रख दिया गया विच ऑफ आंसर फिगर इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर तो इसे बताना है कि ये इसका मिरर इमेज क्या होगी इसकी मिरर तो हम बना लेते मिरर इमेज क्या है आप ये लगाएंगे ये तो हो गया ठीक है तो ये जब आएगा तो बीच में एक ये होगा ये यहाँ से जाएगा ठीक है ये ऐसे जाएगा ये ऐसे आएगा ये ऐसे आएगा ये ऐसे आएगा ठीक है मैच हो गया और ये ऐसे ये सीधा आएगा ये टेढ़ा ये सीधा ये टेढ़ा ये डायग्राम बनेगा और ये ठीक है ये डायग्राम बनेगा बिल्कुल परफेक्ट अच्छी ड्राइंग नहीं मेरी पर हाँ डायग्राम तो यही बनेगा लगभग ये सीधी लाइन है या रखिएगा स्ट्रेट है और ये टी लाइन है ठीक है तो यही डायग्राम बनेगा तो कौन सा मैच कर रहा है तो ये तो गलत है पहला वाला ऑप्शन आपका पैसे गलत हो गया ऑप्शन बी लगभग लोगों ने सही लग रहा है ऑप्शन सी जो डी तो पूरा ही गलत है ऑप्शन बी और सी को चेक करेंगे बी सीमा देखो ये अंदर वाला उल्टा हो गया है क्योंकि क्या है जो कर्व है वो किसको आएगा बाहर की साइड आएगा बाहर की साइड आएगा मतलब इसकी साइड आएगा कर्व क्या है इस साइड आना चाहिए तो ये गलत हो गया ऑप्शन बी आपका सी आंसर बचा है तो सी आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया चेक ले रहे हैं जी हाँ ऑप्शन बी आपका सही आंसर है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इन अ सर्टिन कोड लैंग्वेज थ्योरी यहाँ पे किसी कोड लैंग्वेज में थ्योरी का जो कोड है टी एच ओ आर वाई थ्यूरी उसका कोल्ड ड्रिंक दे रखा है इन्हने टू वन नाइन टू फोर नाइन सेवन ठीक है और जो ब्राइट है जी एच टी ब्राइट का कोड दे रखा है इन्हने टू फाइव नाइन थ्री टू जीरो वन नाइन टू ठीक तो ये आपका एक टिपिकल याद रखिएगा आप एक, 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 एक कोल्ड लैंग्वेज का क्वेश्चन है ठीक है कोडिंग डी कोडिंग क्वेश्चन है बहुत अच्छा इसमें क्या है जो वोवेल हैं आपके जो जैसे याद करिएगा जैसे ए ई आई ओ यू इसमें क्या इनके कोड फिक्स होते हैं जैसे इनका वन होता है इसका टू होता है इसका थ्री होता है इसका फोर होता है ओ का और यू का फाइव ये आपके वॉवल्स फिक्स रहेंगे ये चेंज नहीं होते हैं ठीक है ये वॉवल्स चेंज नहीं होते टू थ्री ठीक है वॉवल्स आपके फिक्स रहेंगे बाकी सब में चेंज रहेगा अब यहाँ चेक करेंगे टी का तो टी का क्या होता है टी का कोड याद आपके याद हो तो होता है ट्वेंटी तो ट्वेंटी क्या हुआ ट्वेंटी टू प्लस ज़ीरो तो कितना टू आ गया एच का कितना होता है एट एट होता है एट का अपोजिट कितना होता है एट का एट का अपोजिट कितना होता है नाइनटीन होता है आप ऐसे चेक कर लीजिए जो आपकी ए बी सी डी होती है लिख लीजिए आप ए बी सी डी ए बी सी टी एफ e, G H I J K L M N O P Q R S T U V W W X Y Z ये रखेगा और नंबर डालिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तीस चौबीस पच्चीस छब्बीस ये आप देख देखिए वैसे तो मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ पर आपको याद करना है क्योंकि वहाँ पे लिखने टाइम आपको मिलेगा टाइम वेस्ट होगा आपको बिल्कुल मुँह याद होनी चाहिए ऐसे आप देखेंगे एच एट का पोजिट कितना होता है एच का पोजिट एस होता है ऐसा कोड कितना होता है नाइनटीन होता है तो एस का कोड नाइन्टीन हो गया तो नाइन्टीन को इनने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है ठीक है फिर ई e का देखेंगे ई e का कितना होता है फाइव फाइव का अपॉजिट कितना होता है ई का अपजिट क्या होता है ई e का अपॉजिट वी होता है और वी का कोड कितना होता है ट्वेंटी वी का अपजिट कितना होता है ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन का ठीक है तो ट्वेंटी वन क्या लिख देंगे इनने ऐसे सी लिख दिया है ठीक तो तो है ठीक ये हो गया ट्वेंटी का तो ये ऐसे लिख दिया है टू वन फोर ठीक है और फिर आर ओ का आएगा ओ का ओ कितना हमारा दे रखा है यहाँ पे ओ फिफ्टीन होता है ठीक है फिफ्टीन को तो इसको क्या लगेंगे वन प्लस नाइन लिख देंगे ठीक है ओ यहाँ तो ई के हमारा वॉवेल है ना तो वॉवेल तो ऐसे ही आ जाएगा वॉवल का कोड कितना होता है वॉवेल तो ऐसे ही आएगा वॉवेल कितना होता है टूथ होता है तो वॉवेल तो कोड ऐसे ही आएगा ठीक है अब अच्छा ओ ओ का कितना होता है हमारा फिफ्टीन होता है फिफ्टीन फिफ्टीन का देखेंगे फिफ्टी ओ का हो सकता है फिफ्ट ओ भी क्या वोविल होता है और वोविल का कोड कितना होता है वो इनके हिसाब से फोर होता है तो ये भी है आर का कितना होता है एट्टीन होता है वन प्लस एट कितना हो गया नाइन्थ हो गया तो नाइन आ गया वहीं वाई कितना होता है वाई का ट्वेंटी फाइव, हो फाइव होता है टू प्लस फाइव सेवन आ गया तो ये कोड इसका बन गया जी ब्राइट का ब्राइट का होगा बी क्या होता है बी का बजट कितना होता है वाई वाई का कितना होता है टू फाइव तो टू फाइव ऐसे लिख दिया इनका बी का ठीक है आर ए कितना होता है आर का एटीन होता है एटीन प्लस वन एट प्लस वन नाइन हो गया ये ऐसे ही आ गया आई हमारा वविल होता है तो आई का थ्री ऐसे ही आ गया क्योंकि आई का कोड वर्ड के हिसाब से कितना होता है थ्री होता है चेक कर लिया बिल्कुल सही आ रहा है जी का प्रोजिट कितना होता है देखो यहाँ क्या हुआ है जो आपके सिंगल डिजिट वर्ड्स हैं जैसे आपके आपके जैसे आप मान के चलिए जो आपके ए से लेकर आई तक हैं ठीक है ये क्या है आपके सिंगल हैं वन टू नाइन तक हैं ठीक है इनके जो क्या है इनके आपके चेंज क्या हुआ इनमें क्या इनके है इनके अपोजिट लगाए गए हैं जो सिंगल डिजिट वाले हैं उनके अपोजिट लगा दिए गए हैं वहीं जो डबल डिजिट वाले हैं जो जैसे ही मान चले जे से लेकर जेड तक ठीक है जी कौन से हो गए टेन से लेकर ट्वेंटी सिक्स तक इसमें क्या कर दिया गया है इनके जो नंबर्स हैं जैसे टेन आया है टेन का वन और जीरो है इनको ऐड कर दिया गया है तो कितना वन हो जाएगा वहीं ट्वेंटी सिक्स का क्या है टू प्लस सिक्स कितना हो गया एट हो गया इसको ये कर दिया गया है ये कोड चलाया जा रहा है इन सब के अंदर तो आपको चेक करना है कि सॉल्यूशन में कैसे सपोर्ट करोगे तो सॉल्यूशन पुट करेंगे एस यू एल आई एस टी आई ओ एन ठीक है सॉल्यूशन पिट करके देखते हैं का क्या हमारा कोड होता है एस का नाइनटीन होता है नाइनटीन का क्या होता है वन प्लस नाइन टेन होता है टेन को हम ऐसे लिख देंगे ठीक है ओ का कोड कितना होता है ओ का फिफ्टीन होता है तो वन प्लस फाइव कितना होता है सिक्स हो गया यू का कितना होता है तो यू का कोड कितना होता है यू का कोड होता है हमारा ट्वेंटी वन टू प्लस वन थ्री हो गया ये थ्री ले देंगे और सॉरी ओ का कोड सिक्स नहीं लगाएंगे क्यों ओ हमारा क्या व होता है तो विल कोड कितना है यहाँ पर रखा है ओ का ओ का कोड फोर होता है यू एल एल का क्या होता है एल हमारा किस किस्मत ट्वेल्व होता है तो वन प्लस टू थ्री आ जाएगा टी का कितना होता है टी का टू ज़ीरो तो टू आ जाएगा आई हमारा क्या वावल होता है वॉल कोड आई के वॉवल कितना तीन थ्री कोड होता है वो हमारा फिफ्टीन होता है वन प्लस फाइव सिक्स होता है सॉरी वो हमारा क्या वॉवल है तो ये क्या आएगा इसमें फोर आ जाएगा और एन का कितना होता है वन प्लस फोर तो कितना फाइव आएगा तो हमारा कोड क्या होना चाहिए टेन फोर थ्री थ्री टू थ्री फोर फाइव टेन फोर तो ये गलत हो गया आपका ये तो वन नाइन तो आएगा नहीं टेन फोर थ्री थ्री ये गलत है हमारा टेन फोर यू का देखें यू का कितना होता है हमारा कोड टू वन होता है टू वन थ्री हो गया एल का कोड कितना होता है एल का भी इतना ही होता है यू तो हमारा वॉबल हो गया ये फाइव हो जाएगा ठीक है तो फोर फाइव फोर फाइव मतलब ये वाला गलत है ऑप्शन डी आपका सी ऑप्शन डी आपका सी आंसर है तो सी आंसर क्या है ऑप्शन डी आपका सी आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये ये आपको फिगर दे रखा है इस फिगर में से जो मिसिंग टर्म है उसे फाइंड करना है तो फाइंड कैसे कर लेंगे सिंपल है देख रहे हैं स्क्वायर बन रहा है तो इसको हम इससे मैच कर देंगे ठीक है और फिर क्या हो रहा है ये यहाँ से यहाँ मैच हो रहा है ये इस पॉइंट से मिलेगा आगे ये इस पॉइंट से मिलेगा आगे इतनी कहीं पड़ रही है और यहाँ पर ये और एड कर दिया जाएगा तो आप देखें ये हिस्सा कहाँ पर आ रहा है ये गलत आ रहा है ये भी ये तो सही ये गलत आ रहा है गलत आ रहा है ऑप्शन डी आपका सही आंसर है तो सही आंसर क्या इस है इसमें ऑप्शन डी आपका सही आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं टेन ईयर्स एगो द फादर एंड सन व थ्री शू टू दस साल पहले मतलब दस साल पहले जो फादर को हम एफ से और माइनस टेन और सन को हम एस माइनस टेन क्या होता है इनकी एज कहती थ्री रिश्वी वन थी और टेन ईयर्स हिज दिस विल बी टू वन और दस साल बाद ठीक है दस साल बाद क्या होगा तो फादर प्लस टेन और सन प्लस टेन रेशियो कितना हो जाएगा टू रेशियो बन हो जाएगा सॉल्व कर ले रहे हैं यहाँ हो जाएगा एफ़ माइनस टेन इक्वल टू थ्री एस माइनस थर्टी यहाँ किसी एक की वैल्यू निकाल लो यहाँ एफ़ की वैल्यू निकाल लो आप फादर की वैल्यू इसमें आ पहले आप एफ़ की निकाल लो डायरेक्ट सही रहेगा इसमें यह एफ़ की निकाल लो ठीक है थ्री एस माइनस ट्वेंटी क्योंकि जब टेन में से थर्टी में से टेन माइनस कर दो कितना रहेगा माइनस ट्वेंटी आ जाएगा तो ये फादर की हो गई यहाँ सन निकाला पुट कर दो फादर के इसमें इसमें क्या रहेगा एफ प्लस टेन इक्वल टू टू एस प्लस टेन ठीक है यहाँ एफ की वैल्यू पुट कर दो एफ़ की वैल्यू क्या है यहाँ पे दे रखी थ्री एस माइनस ट्वेंटी प्लस टेन इक्वल टू टू एस माइनस प्लस टेन तो ये क्या हो रहेगा माइनस टेन बचेगा और इसको यहाँ पर एस इक्वल टू थर्टी एस की वैल्यू थर्टी आ सॉल्व करने पर यहीं एफ की वैल्यू थर्टी में रख देंगे यहाँ पे एफ इक्वल टू थ्री इंटू थर्टी माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी आएगी ऑप्शन सी सेवेंटी ईयर्स है ऑप्शन सी आपका सी आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए स्टेटमेंट कंक्लूजन आने इसमें क्वेश्चन क्या है इसमें पूछा गया है ऑल प्राइजेस आर मेडल क्या है सारे प्राइजेस क्या हैं मेडल्स हैं चलो भाई बिल्कुल सही बात मान लेते हैं फिर कह रहा है सम प्राइजेस आर सर्टिफिकेट कुछ प्राइज सर्टिफिकेट हैं तो कुछ प्राइज मतलब यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है ये कुछ प्राइज क्या है सर्टिफिकेट है सी से रिप्रेजेंट करते हैं अब पूछा है सम सर्टिफिकेट आज प्राइजेस सम सर्टिफिकेट प्राइज बिल्कुल सही है सम मेडल्स आर प्राइजेस सम मेडल्स आर प्राइजेस बिल्कुल सही है क्योंकि कुछ मेडल्स के अंदर आएंगे और सम सर्टिफिकेट्स आर मेडल्स सम सर्टिफिकेट मेडल्स बिल्कुल सही हैं ये भी सही बैठेगा तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए बी सी तो ऑप्शन ए आपका इसमें सी आंसर होगा चेक लेते हैं जी हाँ ऑप्शन ए इसका सी आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये क्वेश्चन आया इसमें जो मिसिंग नंबर है उससे आप फाइंड कीजिए तो सबसे सबसे तरीका मैंने आपको बताया पहले पिछली वीडियो देगी आपने इसे हम काउंट कर लेते हैं जैसे क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइन्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी क्या फोर और फाइव के उस बांट दे रहे हैं ठीक है तो फोर और फाइव के बांट लेंगे ट्वेंटी टर्म्स हम इसमें आइए तो आप देखेंगे किससे रिप्रेजीट हो तो सी आ रहा है जे के बाद सी आएगा तो सी तक आप देख रहे हैं सी फिर क्यू मतलब ये एक दो पांच पाँच बाढ़ लो क्योंकि आप देख रहे हो क्यू यहाँ से रिपीट हो रहा है क्यू शुरू हुआ क्यू यहाँ से शुरू हुआ है ठीक है तो यहाँ पांच में डिवाइड कर लो तो पांच में एक दो तीन चार पाँच ये पाँच ये एक दो तीन चार पाँच ये पाँच ये हो गया और एक दो तीन चार पाँच पाँच ये हो गया अब प्रेजेंट कर दो क्यू के बाद क्या आ रहा है क्यू के बाद आर आ रहा है जे के बाद सी आ रहा है आर के बाद आप देखेंगे टी आ रहा है और टी के बाद क्या आ रहा है जे आ रहा है और क्यू के बाद क्या आएगा क्यू के बाद आर और टी के बाद क्या आएगा जे आएगा तो कोड आप बन गया आर सी टी आर सी टी ये गलत है आपका ऑप्शन ए गलत ऑप्शन बी गलत आर सी टी आर सी टी यही एक ऑप्शन दे रखा है ये गलत है ऑप्शन सी आपका सही आंसर है तो सही आंसर क्या है ऑप्शन सी आपका सही आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं अभी सीरीज़ दे रखी है आपको इसमें बताना है मिसिंग टर्म क्या होगी मिसिंग टर्म सीरीज से कैसे निकालोगे आप सीरीज सॉल्व करनी पड़ेगी आपको तो सॉल्व करेंगे कैसे यहाँ दे रखा है आपको सॉरी नाइन सेवन इलेवन ट्वेंटी नाइन और वन वन नाइन ठीक है और लास्ट वाली हमें निकालनी है तो यहाँ दे रखा है जब इन दोनों चेक करेंगे आप तो यहाँ देखा है नाइन इंटू वन माइनस टू सेवन आगे ना इसमें आएंगे आप सेवन इंटू टू माइनस थ्री क्योंकि फोर्टीन माइनस थ्री कितना इलेवन होता है बिल्कुल सही बैठ रहे हैं यहाँ पे यहाँ भी ट्राई कर देते हैं इलेवन इंटू टू माइनस फोर तो देखते हैं सही बैठ रहा है सीरीज पैटर्न लाए देखना तो नंबर कहीं बढ़ा रहे हैं सब में इसमें बढ़ा के देख रहे हैं तो कितना ट्वेंटी टू 22... यहाँ थ्री आएगा सॉरी थ्री आएगा क्योंकि यहाँ टू है यहाँ वन था यहाँ टू है यहाँ थ्री आएगा तो क्या रहेगा थर्टी थ्री माइनस फोर थर्टी थ्री माइनस फोर कितना हो गया ट्वेंटी नाइन आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है और आगे वाले चेक करेंगे वन 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 इंटू फोर माइनस फाइव करेंगे क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव चलेगा ठीक है यहाँ चेक करेंगे फोर 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 माइनस फाइव चेक करो कितना आएगा ये चेक करके आप आएगा नाइन थ्री फोर फोर थर्टी नाइन से यहाँ आंसर आएगा तो फोर 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 आ गया ठीक है तो ये कितना नाइन और ये थ्री फोर फोर थ्री फोर तो इसमें सही आंसर आप क्या आ रहा है इसमें चेक करेंगे फोर्टीन थ्री थर्टी थ्री फोर ओ सॉरी यहाँ गलत कर दिया यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ गए एक कदम आगे बढ़ गए हम लोग ठीक है यहाँ कितना होगा? ट्वेंटी नाइन इंटू फोर होगा माइनस फिर फाइव आएगा तो अब इसे ट्वेंटी नाइन फोर जा कितना होता है ट्वेंटी नाइन फोर जा होता है 96, minus, uh, 90, आपका नाइन्टी सिक्स माइन नाइन्टी आपका ट्वेंटी नाइन कितना होगा थर्टी सिक्स माइनस थ्री वन हंड्रेड सिक्सटीन होता है माइनस फाइव और ये आपका कितना हो गया वन 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 बचा है अब यहाँ पे चेक करेंगे वन 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 इन टू फाइव माइनस सिक्स आएगा तो फाइव 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 माइनस सिक्स यहाँ चेक करे हुए तो जब आएगा नाइन फोर फाइव तो फाइव नाइन्टी फोर फाइव फोर्टी नाइन तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है चेक करते हैं जी हाँ ऑप्शन बी सही आंसर है चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं अब क्या है ये सिटी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है पी क्यू आर एस टी यू सब लोग बैठे हैं इन अ रो रो में बैठे हैं कोई एक रो है तो उसमें बैठे हैं ठीक है और की यू मतलब कितने लोग हो गए तीन तीन छः लोग हो गए आप छः लोग जगह बना दे रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छः। छः लोगों की जगह हो गई इसमें बोला ठीक है और सब किधर साइड फेस कर रहे हैं सबका फेस किधर है सबका फेस नॉर्थ की साइड है ठीक है ओनली थ्री पर्सनस सिटिंग बिटवीन एस एंड यू एस और यू के बीच में तीन लोग बैठे हुए हैं तो आप ये लगा लो एस ये हो गया और यू ये हो गया ठीक सॉरी यू ये हो गया तीन लोग बैठे ऐसे यू के फिर एस इज नॉट सिटिंग एनी कॉर्नर मतलब एस किसी कॉर्नर पर नहीं बैठा बिल्कुल सही हमने नहीं बैठाया किसी कॉर्नर पर एस को फिर कह रहा है आर इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू तो यू के लेफ्ट मतलब यू येर है तो आर यहां बैठेगा बिल्कुल सही बैठा है क्यू इज सिटिंग बिटवीन एस एंड टी तो क्यू यहां से एस के और टी के बीच में बैठा है अब बचा कौन पीत बचा पी ना बैठा दे रहे ठीक है अब क्वेश्चन क्या पूछा हु इज सिटिंग एट लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द रो तो लेफ्ट कॉर्नर कौन सा हो गया ये आपका कौन सा राइट हो गया और ये कौन सा रो आपका हो गया लेफ्ट साइड हो गई तो लेफ्ट कॉर्नर में कौन बैठा है पीत बैठा है तो ऑप्शन बी आपका सी आंसर आएगा पी बैठा आपके लेफ्ट कॉर्नर में चेक करते हैं जी हाँ पी सी आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये अखिल क्वेश्चन आपका दे रखा है इसमें क्या दे रखा है आपको ये डायग्राम दे रखे हैं उसमें एक पैटर्न दे रखा है तो आपको पैटर्न फाइंड करना है कैसे यहाँ आप चेक करेंगे यहाँ क्या हुआ है मूव करे हैं क्या चीज़ मूव करी है ऊपर मूव करे हैं देखो ये ये लेफ्ट लेफ्ट साइड वाला है इसमें क्या हुआ एच यहाँ गया है थ्री नीचे आया है और आर नीचे आ गया है बिल्कुल सही बैठा है अब इसमें क्या हुआ है इसमें जो सर्किल है वो इधर आए हैं एरो इंटरचेंज हो गए ये एरो इधर का इधर आ गया है ये एरो इधर का इधर हो गया है और जो स्क्वायर था स्क्वायर का बॉक्स खाली हो गया है बिल्कुल सही बात है स्क्वायर का बॉक्स खाली हो गया चेक करते हैं सही है और यहाँ पी में ये हो गया क्या हुआ है इसमें ऊपर साइड मूव करें तो ये ऊपर गया है ये ऊपर गया है ये नीचे आया है तो यहाँ क्या ये नीचे से ऊपर जा रहा था यहाँ क्या है ऊपर से नीचे आ रहे थे यहाँ ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हैं चेक करते हैं इसमें बैठा है बिल्कुल सही बात है तो वो थ्री नीचे आया है एच ऊपर गया है और नीचे आ गया स्क्वायर यहाँ खाली ये खाली चलो सही है बीच वाले सेक्शन में क्या हो रहा है खाली इनमें इंटरचेंज हो रहा है जो नीचे आएगा वो उसका खाली हो रह जाता है ठीक है तो जैसे यहाँ अब क्या आएगा यहाँ स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर आएगा खाली आएगा भाई देखो ये ऑप्शन ए तो भाई पहले गलत होगा क्योंकि यहाँ टाइम हमारे पास कम हम होता है हमें ऐसे ही सोचना पड़ेगा तो ऑप्शन ए तो आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ स्क्वायर आएगा अब वो भी ब्लैंक स्क्वायर आएगा उसके अंदर ब्लैक वाला स्क्वायर नहीं आएगा और एरो क्या आएगा ये एरो फेस अगर क्या नाम ब्लैक वाला एरो होगा आपका लेफ्ट साइड और वाइट वाला एरो कैसे होगा राइट साइड तो ब्लैक साइड ये देखो ये वाला गलत ऑप्शन पहले हो गया ये सही है ये सही है ये तो गलत वैसे ही हो गया ठीक है ऊपर नीचे है नहीं इसमें कहीं ऊपर नीचे होने ऑप्शन बी और ए और डी गलत हो गया अब चेक करेंगे बी और सी में अब देखो यहाँ पे क्या है ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर चल रहा है ना तो देखो ये क्या है इसमें आर ऊपर जाएगा एच नीचे आएगा थ्री बीच में आएगा तो एच यहाँ रहेगा थ्री ये रहेगा आर ऊपर जाएगा और सर्किल यहाँ होगा पूरा भरा हुआ होगा ठीक है और ये ब्लैक वाला एरो इधर ये वाला, वाला एरो इधर और यहाँ क्या है ये ऊपर चल रहे हैं तो मतलब क्या चल रहा है ऊपर चलेंगे तो पी टी ऊपर आएगा टू इधर आएगा पी इधर आएगा कौन सा सही आ रहा है तो देखो चेक कर लो आप आर थ्री एच आर थ्री एच ऑप्शन सी आपका सही आंसर आ रहा है ठीक है तो सही आंसर क्या है ऑप्शन सी आपका सही आंसर है चेक करते हैं जी हाँ ऑप्शन सी आपका सही आंसर है चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें क्राइब करें और साथ में वीडियो को शेयर करें जिससे बाकी लोगों पास भी वीडियो पहुंच सके धन्यवाद